नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको हमारी भैंसज का अपना कि स्नेह पाक सिद्धि के लक्षण बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह निम्ब तेल निर्माण कर रहा हूँ, मैं नीम का तेल बना रहा हूँ। कि नीम के तेल में देखिए जो स्नेह सिद्धि बताया गया है, तो इसमें हमने देखिए नीम का कल्क लिया है, बेस के रूप में तिल तेल लिया है और जल का इस्तेमाल किया है। देखिए इस अब देखिए बीच में मध्याग्नि में मध्यमाग्नि में हम इसको पाक कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो तेल का पाक का लक्षण बताया गया है, वह हमारे शास्त्र में बताया गया है कि बढ़ती बत स्नेह कलका स्यात् अंगुल्या विमर्दिता, शब्दहीनो अग्निक्षिप्ता स्नेह सिद्धो भवेत्तेता, यथा फेन उद्गमस तेले फेन हीनस सुचर्दी। यही अगर आप तेल का पाक कर रहे हैं तो देखिए फेन का उद्गम हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फेन का उद्गम हो रहा है, तो एक लक्षण तो इसमें आ चुका है कि इसमें फेन का उद्गम स्टार्ट हो गया है। लेकिन और भी इसके लक्षण हैं, जैसे बढ़ती बत स्नेह कल्क है सर, लेकिन देखिए आप इसके जो कल्क है देखिए अभी पानी के समान ही है, इसमें अभी बढ़ती नहीं बन पाएगी। और लेकिन और फिर दूसरा लक्षण है शब्दहीनो अग्निक्षिप्ता, यानी इसको अगर कल्क को लेकर के हम तेल को लेकर अगर अग्नि में ले जाते हैं तो इसमें चट चट की आवाज़, जैसा कि आपको सुनाई दे रहा है ये चट चट की आवाज़ जो आ रही है ये नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर चट चट की आवाज़ आ रही मतलब अभी इस तेल में पानी है, पानी जली यहाँ से ओढ़ा नहीं है और अभी इसका पाक होना बाकी है। तो अभी मैं इसका पाक कर रहा हूँ और जैसे इसके संपूर्ण लक्षण आ जाएंगे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ये इसकी हम अगर बढ़ती परीक्षा कर रहे हैं तो ये देखिए इसकी अगर हाथ से अगर हम ऐसे बढ़ती बनाते हैं तो ये देखिए बिल्कुल इसकी ये सामान्य बढ़ती बनना स्टार्ट हो गई है। तो इस प्रकार आप जा सकते हैं कि हमारा तेल पाक कंप्लीट हो चुका है। ये अब जो तेल पाक हम लोग कर रहे थे निम्न तेल पाक वह संपूर्ण हो चुका है। अब हम देख भी लेते हैं, देखिए इसके हम कल्क थोड़ा सा लेंगे, ये कल्क वाला पार्ट लेंगे और इसे अग्नि में देखिए लगाएंगे। तो इसमें देखिए कोई भी चट चट की आवाज़ अब नहीं आ रही है। आप थोड़ा तेल भी ले सकते हैं, आप कल्क भी देख लिया हमने, कल्क की परीक्षा भी कर ली और ये तेल की भी देखिए, तो इसमें कोई भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही, कोई भी चट चट की आवाज़ नहीं है, मतलब इसका जलीयन समाप्त हो चुका है और तेल बन चुका है। और इसका जो कल्क है देखिए, इस कल्क को भी अगर हम निकाल कर देख लें तो इसको अगर हाथ से हम वो करेंगे देखिए इसकी भी बढ़ती बनना स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि हमारा ये तेल तैयार हो चुका है। अब हम इसे छान करके किसी कांच की शीशी में रख लेंगे और किसी भी स्किन डिसऑर्डर में हम इसे उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।